ओके क्लास सेवन. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सेवन बी क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स. इन क्वेश्चन नंबर फाइव आर ट्रेडर मार्ट इज गुड एट रुपीज एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस. एक ट्रेडर ने अपनी गुड्स की प्राइस को ओरिजिनल उनकी जो सेलिंग प्राइस है उसे 20% अबव मार्क की है, यानी उनकी मार्क प्राइस 20% मोर है देन दी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस. सो इफ़ ही इज़ अलाउज हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट, अब वो अपने कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, हमने उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है. व्हेन हम कहते हैं कि उसकी लटकी की कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसने मार्क प्राइस, उसने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर कहते हैं 100 है तो मार्क प्राइस अबव 20% अबव कॉस्ट प्राइस है ना, यानी 20 ज़्यादा करके वो अपनी मार्क प्राइस देगा. तो हम कहते हैं कि वो 100 प्लस 20 यानी रुपीज़ 120 थी. अब डिस्काउंट हमें पता होता है कि वो सिंपल डिस्काउंट 10% हमें डिस्काउंट दिया गया है, वो 10% ऑफ मार्क प्राइस है. मार्क प्राइस हमने 120 अब खुद निकाली है हमने, 10% का मतलब 1/10 जब सारी कटिंग हमने की है तो 12 आ गया. अब नेट सेलिंग प्राइस का हमारे पास फार्मूला होता है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस हमारे पास 120 या माइनस 12 किया तो 108 आ गया. अब प्रॉफिट हमारी कॉस्ट प्राइस देखें 100 है और सेलिंग प्राइस नेट सेलिंग प्राइस 108 तो प्रॉफिट हो रहा है ना. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या रुपीज़ 8 और प्रॉफिट परसेंट निकाला प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास 8% आ जाएगा. ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज द शॉप की. अब इसी एग्जांपल्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 10 है वो आपने खुद कर लेनी है. ठीक है, उसको लाजमी देखिएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ शॉपकीपर डिक्लेयर्स अ 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इफ द मार्क प्राइस कोटेड इज 2000. अब मार्क प्राइस उसकी 2000 थी, वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का और उसको प्रॉफिट कितना होता है 25% का. ठीक है, अभी अब इस पर हमने चेक करना है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी. अब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 20%, प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, मार्क प्राइस दी हुई है 2000. अब डिस्काउंट हमें पता है कि वो कितना होता है. 20% ऑफ मार्क प्राइस 20/100 मल्टीप्लाई 2000 किया तो 400 आ गया. और सेलिंग प्राइस हमने निकालनी होती है. अब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना, इट मीन्स हमें वो सेलिंग प्राइस वगैरह सारे डील करना है. सो सेलिंग प्राइस क्या है कि वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है 2000 माइनस 400 किया 1600 आ गया. अब हमें सेकेंड में पता है कि अब डिस्काउंट परसेंट को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया. अब नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट और मार्क प्राइस भी उसी के साथ यूज़ हो गई है. प्रॉफिट परसेंट क्या है 25%, यानी अगर हमारे पास 100 ओरिजिनल प्राइस थी ना तो 125 प्रॉफिट के साथ हो गई. ठीक है, सो हम कहते हैं अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो उस कॉस्ट प्राइस 100 थी, यानी 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 125 प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस आई, यानी उससे बढ़ की हो गई 25% बढ़ गई 125 हो गई. अगर सेलिंग प्राइस 1 होगी, सेलिंग प्राइस राइट पे क्यों रख लेफ्ट पे क्यों रख रही हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी और हमने फाइंड जो करना था क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस था, इसी वजह से हमने कॉस्ट प्राइस को इधर रखा है और सेलिंग प्राइस को इधर रखा है. अब सेलिंग अब ये यूनिटरी मेथड ही मैं लगा रही हूँ. ठीक है, जो मैंने आपको एक टास्क दिए पेज नंबर 97 पे ये वाला, इसमें मैंने ये हिंट दिए थे यूनिटरी मेथड, तो वो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं. ठीक है, सो सेलिंग प्राइस 125 थी, देन कॉस्ट प्राइस इज़ 100. अब सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 1 जब यूनिटी मेथड लगा तो ये 125 इधर आके डिवाइड होगा. जब सेलिंग प्राइस हमने 1600 दी तो ये 1600 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, फाइनली हमारी रुपीज़ आ गया. कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई तो 1280, सो दैट वाज द आंसर. यही हमारी कॉस्ट प्राइस थी. ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज और इन एग्जाम्पल्स, सो डू आस्क यू आर